मन की एकाग्रता से ही सफलता मिलती है। एकाग्रता बहुमूल्य गुण है। एकाग्रता एक ऐसी शक्ति है जो व्यक्ति को किसी भी क्षेत्र में सफलता को सुनिश्चित करती है। अपने लक्ष्य की ओर से ध्यान को ना भटकने देना ही एकाग्रता कहलाती है। मित्रों, पौराणिक काल से ही एकाग्रता के महत्व पर बल दिया जाता रहा है। जब कौरव और पांडव गुरुकुल में पढ़ते थे तो उनके गुरु भी उन्हें एकाग्रता का पाठ पढ़ाते थे। आपको वह कहानी तो याद है ना, जब एक दिन गुरु द्रोण ने पेड़ पर लकड़ी की चिड़िया रख कर सभी शिष्यों को उस पर निशाना साधने के लिए कहा। आँख पर एकाग्रता केंद्रित करने के कारण अर्जुन ने उस पर सही निशाना लगाया। यही कारण था कि वे महान धुरंधर बन गए। स्वामी विवेकानंद जी ने एकाग्रता के बारे में कहा है कि मस्तिष्क की शक्तियाँ सूर्य की किरणों के समान है, जब वह केंद्रित हो जाती है तो चमक उठती है। मित्रों, एकाग्रता के चमत्कार, एकाग्रता की शक्ति के बारे में भला मैं आपको क्या बताऊं? ध्यान की एकाग्रता जिसमें आ जाती है वह फर्स्ट डिवीजन में पास हो जाता है। यह ध्यान की एकाग्रता कालिदास के पास थी, जो उनकी धरोहर थी। ध्यान की एकाग्रता विद्वानों के पास होती है। एकाग्रता से जब वे अपने मन को एक जगह इकट्ठा कर लेते हैं तो हजारों तरह के विचार चले आते हैं। साहित्यकारों से लेकर कलाकारों तक जितने भी दुनिया में सफल हुए हैं, वे ध्यान की पहली वाली कला जिसे हम एकाग्रता कहते हैं। प्रत्येक उद्देश्य की पूर्ति के लिए जो उपक्रम किए जाते हैं, सफलता के लिए उनमें एकाग्रता बहुत जरूरी है। शिकारी तीर चलाने के पूर्व सांस रोककर सारा ध्यान अपने शिकार पर जमा देता है। मनोयोग थोड़ा सा भी अहिस्तर हो जाए तो तीर कहीं का कहीं जा गिरेगा। बिना एकाग्रता के मनुष्य का जीवन भी खेल मात्र दिखाई देता है। उससे किसी प्रकार की सफलता की आशा नहीं की जा सकती। जीवन का एक व्यवसाय निश्चित कर ले, फिर उसमें तत्परता पूर्वक सारी शक्ति लगा दे। पूर्ण एकाग्रता के बिना सफलता नहीं मिलती है। नित्य नए व्यवसाय बदलते रहना मनुष्य की अवनति का प्रमुख कारण है। काम की विशेष योग्यता और मार्गदर्शक अनुभव संलग्नता से ही प्राप्त हो सकते हैं। किसी व्यक्ति की बहुत बड़ी सफलता देखकर, किसी महत्वाकांक्षा से प्रेरित होकर लोग बहुत बड़े बड़े संकल्प कर लेते हैं, पर कुछ ही दिनों में उन्हें असफल होते हुए पाते हैं। तो क्या इसके कारण पर विचार करने की इच्छा होती है? सफल पुरुषों के जीवन से इसका आसानी से समाधान हो जाता है। सफलता प्राप्त करने के लिए आवश्यक है कि मनुष्य अपने तन मन धन की सारी शक्ति संकल्प को सफल बनाने में लगा दे। मनोवृत्तियां पल पल बदलती रहे, शरीर से क्रियाशील ना हो, उचित साधन ना जुटाए तो सफलता कैसे मिल सकेगी? जिस मन की स्थिति डावाडोल रहती है, वह कभी एक काम फिर दूसरा काम फिर तीसरा इस तरह इधर उधर चक्कर काटता रहता है। जिस बात की प्रतिज्ञा की थी वह यों ही अधूरी रह जाती है। युद्ध में लड़ने का काम सैनिक करते हैं, किंतु विजय का श्रेय कमांडर को मिलता है। कोई अल्प बुद्धि का व्यक्ति ऐसी आशंका प्रकट कर सकता है कि ऐसा क्यों होता है, पर समझदार लोग जानते हैं कि युद्ध की सारी रूपरेखा सेनापति ही बनाता है। वही यह निश्चित करता है कि किस टुकड़ी को कहां लगाया जाए, कहां गोला बारूद पहुंचे, कहां की संचार व्यवस्था कैसी हो। सेनापति लड़ने नहीं जाता, पर सारा युद्ध उसके मस्तिष्क में फिल्म की भांति घूमता रहता है। पूर्ण एकाग्रता से उस पर विश्लेषण करता रहता है, तब कहीं जाकर विजय का श्रेय उसको मिल पाता है। एकाग्रता, लक्ष्य बुद्धि और तन्मयता के द्वारा ही सेनापति युद्ध का ठीक परिचालन कर पाते हैं। ठीक उसी प्रकार जीवन संग्राम में विजय प्राप्त करने के लिए मन की एकाग्रता व संकल्पशीलता अपेक्षित है।
बार बार जो मन की स्थिति बदलती रहती है उसे सर्वप्रथम काबू करने की आवश्यकता है। किसी लक्ष्य पर जब मन केंद्रित हो जाता है तो सफलता की अनेक योजनाएं सूझती रहती है। वैज्ञानिक शोध कार्यों में इतने एकाग्र होकर कार्य करते हैं कि उन्हें लैबोरेटरी के बाहर की दुनिया का भी ज्ञान नहीं होता है। एक सिद्धांत के रहस्यों पर घुसते चले जाते हैं और कोई नई चीज ढूंढकर निकाल लाते हैं। एक ही बात जब मस्तिष्क में रहती है तब तक उसी के अनेक साधनों की सूझ होती रहती है। उनमें से उपयोगी बातों को पकड़ एकाग्रता से ही होती है। शरीर मन की सारी क्रियाओं को साध कर बगुला एक प्रकार से निश्चेष्ट सा हो जाता है। इसी धोखे में मछली बाहर आ जाती है। बगुला तो इसी ताक में रहता है कि खट से उसे पकड़ लेता है। जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में सफलता के लिए मनुष्य को भी इसी तरह ध्यानी बनने की आवश्यकता है। एक ही दिशा में अपनी सारी शक्तियां आरोपित रखने से नए महत्व की बातों का ज्ञान तो होता ही है, वह भूले और त्रुटियों भी समझ में आ जाती है जिनसे काम में गड़बड़ी उत्पन्न होने की आशंका होती है। इसी अनुभव के आधार पर कठिनाइयों से पहले ही बच जाना संभव होता है। रोज एक नया काम बदलने से तो किसी तरह का भी ज्ञान प्राप्त नहीं होता है, ना अनुभव विकसित होते हैं। आकाश में उड़ने वाले जहाज के कप्तान को बादलों से बचाव, हवा के कटाव आदि में पंखों को भी ऊपर नीचे करना पड़ता है। पायलट यदि वहाँ कोई उपन्यास पढ़ने लग जाए जहाज गिर जाने का खतरा पैदा हो सकता है, इसीलिए उसका सारा ध्यान जहाज को ठीक तरह चलाने में ही लगा रहता है। बिना लक्ष्य पर स्थिर हुए जहाज के कप्तान को थोड़ी दूर की यात्रा करने का साहस ना कर सकेगा। यह मशीन का युग है। अब मनुष्य का बहुत सा काम कल कारखाने पूरा करते हैं। भारी उत्पादन के कारखानों के कल पुर्जे देखकर मस्तिष्क चक्कर काटने लगता है। इतनी सारी मशीनरियों का नियंत्रण कौन करता है? पर वह क्षमता इंजीनियर में होती है। इंजीनियर भी दूसरे मनुष्यों की तरह ही होते हैं, पर उनमें यह विशेषता होती है कि काम करने के समय उनका सारा ध्यान मशीन के कल पुर्जों के साथ बंध जाता है। फर्नेस में ईंधन जा रहा है, डायनमो ठीक से काम कर रहा है या नहीं, कोयला, पानी, तेल आदि पर्याप्त मात्रा में है या नहीं, एक एक हिस्से पर पूरा ध्यान रखकर ही सारी मशीनरी को वह अपने नियंत्रण में रख पाता है। ध्यान इधर उधर बटा रहे तो रोज ही कारखानों में विस्फोट होता रहेगा। यदि आपको काम करते हुए बहुत समय बीत जाए और पूर्ण संलग्नता के बावजूद भी यदि कोई सफलता ना मिले तो समझ लेना चाहिए कि जबरदस्त कमी के कारण है। यदि कारण इतना बलवान हो जिसे आसानी से ना हटाया जा सके तो उसे फिर बदल ही देना चाहिए। संलग्नता का मतलब यह कदापि नहीं कि असंभव कार्य के पीछे ही पड़े रहे, पर यदि लक्ष्य स्तर कर लिया जाए और जिस रास्ते पे वे चल रहे हैं उसी में कुछ कमी दिखाई दे तो किसी दूसरे मार्ग से उसे प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहिए। मान लीजिए आप हाई स्कूल पास कर चुके हैं और MA पास करने की इच्छा है, पर घर की आर्थिक कठिनाइयों के कारण स्कूल नहीं पढ़ सकते, कुछ दिन कॉलेज भी गए पर फीस देने की व्यवस्था नहीं हो पाई, तब अपना रास्ता बदल दीजिए। देखिए क्या आपको कहीं शिक्षण कार्य मिल सकता है। यदि ऐसी व्यवस्था हो जाए तो आप घर की आर्थिक स्थिति कठिनाइयों में भी कुछ सहयोग दे सकते हैं और बचे हुए समय का सदुपयोग अध्ययन कार्य में प्राइवेट परीक्षा भी दे सकते हैं। इस तरह की परिस्थितियों में केवल मार्ग बदलना पड़ता है, बाकी सफलता की बुनियादी बातें ज्यों की त्यों बनी रहती है। इसमें संदेह नहीं कि मनुष्य के कठिन श्रम, एकाग्रता और सतत अभ्यास से बड़े बड़े काम हल हो जाते हैं, पर उद्देश्य जो निश्चित किए जाएं उनके औचित्य भी
गंभीरता पूर्वक विचार कर लेना चाहिए। अपनी शक्ति स्थिति, अपनी शारीरिक स्थिति, बुद्धि, योग्यता और परिस्थितियों के अनुकूल लक्ष्य निर्धारण करने से ही सफलता मिल सकती है। शक्ति से बहुत बढ़ चढ़कर बनाए गए लक्ष्य असफल रहे तो इसमें संदेह ना होना चाहिए, क्योंकि मनुष्य के पुरुषार्थ के साथ साथ प्रकृति का संयोग भी काम करता है। असंभव उद्देश्य न निश्चित करना ही मनुष्य की बुद्धिमानी है, पर जिन्हें हम पूरा कर सकने की स्थिति में हो और उनसे जीवन सार्थक होता हो तो ऐसे लक्ष्य जीवन में बनाकर उन पर पूर्ण लगन, एकाग्रता व संलग्नता के साथ तब तक लगे रहना चाहिए तब तक सफलता ना मिल जाए। एकाग्रता और संलग्नता में ही सफलता का सारा रहस्य छुपा हुआ है। मनुष्य जीवन के दो भूषण है जिसे उसका व्यक्तित्व निखरता है और वह कुछ असामान्य कार्य भी संपन्न कर लेता है। इच्छा शक्ति के बल से अपनी समस्त शक्तियों को केंद्रित रखिए। जब हम शक्तियों को एक स्थान पर केंद्रित रखते हैं तो अद्भुत शक्ति का प्रादुर्भाव होता है। संपूर्ण मानसिक संस्थान और शारीरिक शक्तियाँ जब मिलकर एक कार्य सिद्धि के लिए प्रयत्न करती है तो वह अवश्य ही सिद्ध हो जाता है। उस मन मस्तिष्क या शक्ति से तुम क्या विजय की साधना करोगे जो पल पल इधर उधर भागा फिरता है। मनुष्य का मन बड़ा चंचल है, अहिस्तर है, विषयों प्रलोभनों आसान चीजों की ओर दौड़ता है। अतः पहले चित्त संयम द्वारा मन को अंतर्मुखी कर लीजिए। चित्त की चंचलता रोकने के लिए दृढ़ता से इंद्रियों के विषयों की प्रवृत्ति और मन के वेग को रोकना पड़ेगा। मन को पुनः पुनः एक ही बात पर खींच कर लगाना होगा। मन मार कर एक ही कार्य निरंतर करना होगा। मन का वेग भागना और चंचल होना है कम होते और उस विचार कुछ देह में संलग्न होने से उन्मत्त इंद्रियां चित्त को चलायमान न कर सकेंगी। स्मरण रखिए, मन तुम्हारा है, तुम उसके दास नहीं हो। कभी उसे अपने ऊपर हावी मत होने दो। मन की चंचलता जीतने के लिए इच्छा शक्ति का उपयोग कीजिए। स्वामी विवेकानंद जी के अनुसार एक विचार लो, उस विचार को अपना जीवन बना लो, उसके बारे में सोचो, उसके सपने देखो, उस विचार को जियो। अपने मस्तिष्क, मांसपेशियों, नसों, शरीर के प्रत्येक हिस्से को उस विचार में डूब जाने दो और बाकी सभी विचार को किनारे रख दो। यही सफल होने का तरीका है।